absolutely true. So thank you. Please introspect you. And think for the future of this country. Animan Biluyanthi. सभापति महोदय, सदन में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है। निश्चित रूप से सभापति महोदय, फाइव मिनट्स प्लीज। उद्योग मंत्रालय की जहां बात आती है, अगर उद्योग मंत्रालय देश में अच्छी तरीके से ध्यान दे तो बेरोजगारी की समस्या से भी बड़ा निजात मिल सकता। कई ऐसे उद्योग है हमारे जहां पे स्थानीय लोगों के रोजगार का अगर कानून बने, 80% स्थानीय लोगों को रोजगार दे, तो बहुत बड़ी बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सकता है। ये भी ध्यान देंगे मंत्री जी, जब हमारे अनुपम जी पटेल मंत्री जी बैठी है, कुछ मैं पॉइंट में रखूंगा। सभापति महोदय, वाणिज्य की स्थायी समिति द्वारा दिए गए सुझाव के बिंदु से मैं शुरू करूंगा कि सरकार को भारत को चीन में निर्माण करवा रही बड़ी वैश्विक कंपनियों का वैकल्पिक निवेश स्थल बनने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। आज चीन जैसे देशों से बड़ी मात्रा में खिलौनों, अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटमों सहित कई सामग्रियों का आयात किया जा रहा है और इस कारण से भारत के पारस्परिक कुटीर उद्योगों पर बहुत खराब असर पड़ा। और आज आपके विभाग से जुड़े एक सवाल का जवाब में पड़ रहा था जिसमें आपने 2 सालों में असुरक्षित खिलौनों पर प्रतिबंध लगाने सहित अन्य मामलों में जवाब दिया। मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि आप मेक इन इंडिया की बात करते हैं लेकिन धरातल पर गांव के स्तर की बात करो तो ऐसे कई लघु उद्योग पारस्परिक उद्योगों की हालत बहुत खराब है जो वर्षों से चला रहे। मेरे संसदीय क्षेत्र और राजस्थान के पारस्परिक हैंड टूल्स उद्योग की बात करूं या टांकला जो मेरे इलाके के अंदर है, गांव के दरी उद्योग की बात करूं तो ऐसे कई उद्योगों की हालत बहुत खराब है। मंत्री जी को ऐसे कार्यों पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि देश के पारस्परिक उद्योग बचे रहे, पारंपरिक उद्योग बचे रहे और इस उद्योगों से जुड़े लोगों को रोजगार बरकरार रहे। मंत्री जी, आज ई कॉमर्स का बहुत बोलबाला और ये बात सही है कि ई कॉमर्स एक ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन है जिसके विश्वव्यापी मंच से एमएसएमई कम निवेश पर भी कारोबार को नई ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। और एक सर्वे के अनुसार 2020 में ई कॉमर्स सेक्टर में 8% और 2021 में 30% वृद्धि हुई और 2024 तक इस सेक्टर के कारोबार में $111 अरब तक पहुंच जाएगा। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि इसका लाभ भारत की कंपनियों को कितना मिल रहा है और कितना मिलेगा इस पर मंत्री जी बताएं। ये भी बताएं कि इस सेक्टर से भारत के उद्यमों को ज्यादा लाभ मिल रहा है, विदेशी को और इस सेक्टर के लिए भी एक प्रभावी नीति के क्रियान्वयन की मांग मंत्री जी मैं करना चाहूंगा। मंत्री जी, मैं एक समाचार पत्र पढ़ रहा था, मेरे राजस्थान का प्रमुख समाचार पत्र, उसके अनुसार विदेशी बाजार में राजस्थानी उत्पादों के बढ़ते वर्चस्व इसी से समझा जा सकता है। न केवल कुल निर्यात बल्कि साल दर साल इसकी बढ़ोतरी भी रिकॉर्ड की ओर है। वर्ष 2019-20 की तुलना करें तो 2020-21 में सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी थी। और ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि राजस्थान में बहुत बड़ा अवसर है। दुनिया भर में कोरोना की मार के बावजूद राजस्थान ने जो रिकॉर्ड कायम किया है, और मंत्री जी आप राजस्थान और हमारे पश्चिम राजस्थान में इस ओर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से देश की आर्थिक तरक्की में बहुत बड़ा योगदान राजस्थान को मिलेगा। इसके लिए राजस्थान के उद्यमों, एमएसएमई, हैंडीक्राफ्ट सहित विभिन्न सेक्टर को और ज्यादा प्रोत्साहित करना होगा। देश में FMCG उद्योगों में वृद्धि हुई। मैं मंत्री जी का ध्यान FMCG से जुड़े संवेदनशील मामले की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि एक्सपायर डेट की सामग्री, खराब गुणवत्ता की सामग्री ब्रांड के नाम से बेची जा रही है। ऐसे मामलों में कानून भी है लेकिन कभी भी संवेदनशीलता के साथ ऐसे लोगों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होती, इस पर आप जरूर ध्यान देंगे। मंत्री जी, ये भी पूछना चाहूंगा कि आपने कृषि निर्यात नीति को लेकर शासन के पास वर्तमान क्या कार्य योजना है, आपके मंत्रालय पिछले 2-3 वर्षों में क्या क्या प्रयास किए ऐसी नीति के क्रियान्वयन के लिए और इसका कितना लाभ देश के किसान वर्ग को मिलेगा। मंत्री जी, कोरोना के संकट काल में मजदूर वर्ग बहुत प्रभावित हुआ था, लोगों को पलायन करना पड़ा, लोग चले गए थे और बहुत सी आत्महत्याएं कोरोना के बाद हुई। इसकी वजह बेरोजगारी थी। जहां उद्योग लगे वो उद्योग वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दे रहे। मेरे राजस्थान के बाड़मेर जहां प्रचुर मात्रा के अंदर तेल निकलता है, तेल, कोयला, गैस, लेकिन बाड़मेर के अंदर अगर आप सर्वे कराएंगे तो आपको लगेगा कि आस पड़ोस के गांवों के अंदर प्रदूषण से क्या हालात हैं, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा और कंपनियों की दादागिरी जबरदस्त तरीके से बाड़मेर के अंदर चली। वहां के नेताओं को एक कोकस बन गया, किसी नेताजी को ट्रांसपोर्ट का ठेका दे दिया, किसी ने 4 अपने आदमी लगा लिए। तो आम आदमी CSR फंड खर्च नहीं हो रहा है, रोजगार मिल नहीं रहा है। तो मेरा ये निवेदन रहेगा कि आप ऐसे उद्योगों में 80% लोगों को रोजगार कैसे मिले, इसके लिए भारत की सरकार को सोचना होगा। एक साहब, हमारे राजस्थान का जो मार्बल और ग्रेनाइट है उस पर सरकार पहले 10-12% टैक्स लेती थी, अब GST 18% ले रही है। बाहर से जो आपका आ रहा है, इटली
इटली का जो मार्बल आता है, मेरी सरकार से मांग रहेंगी कि एंटी डंपिंग ये लगाएं और मिनिमम इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्ट प्राइस है इस, आपने स्टील इंडस्ट्री को बचाया तो मैं चाहूंगा कि ग्रेनाइट और मार्बल इंडस्ट्री को भी बचाएं। ये गांव के अंदर गरीब किसानों के खेतों में मार्बल ग्रेनाइट अच्छी क्वालिटी का निकलता है, लेकिन देश की सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, इन उद्योगों को बढ़ावा मिले। मैं आप स्वदेश की बात करते हैं हमेशा स्वदेशी स्वदेशी, तो आपका स्वदेशी तो पड़ा रह जाता है और विदेशी माल बिक रहा है, लोग सस्ते के चक्कर में चुके, तो इस पर आप जरूर मेरे साथ ध्यान देंगे। जीएसटी की वजह से बाहर का विदेशी माल का आयात बढ़ रहा है। मेरी मांग रहेगी कि लोकल फॉर वोकल की जो आप बात करें इसके अंदर आप ये काम जरूर करें। समाप्त। एक मिनट साहब, समझ महोदय, राजस्थान के अंदर जिंक उत्पादन के अंदर राजस्थान अग्रणी स्थान है। एक वहां पे दरीबा माइंस है, दरीबा माइंस, राजपुर, चंदेरिया, जावर माइंस आदि जगह पर काफी मात्रा में जिंक, सिल्वर, मरकरी आदि का उत्पन्न होता है। इन स्थानों पर पर्यावरणीय दृष्टि से बहुत नुकसान हो रहा है, इसके दुष्प्रभाव से वहां कई प्रकार की बीमारियां फैल रही, इसके लिए संबंधित कंपनी उद्योग समूह को ध्यान देने की आवश्यकता है। वहां के लोगों को उचित मुआवजा दिया जाए, स्थानीय लोगों को रोजगार न दिया जाकर बाहरी लोगों को भर्ती किया जा रहा है, जिससे वहां के लोगों का आर्थिक जीवन यापन मुश्किल हो गया, उनकी जमीनों को पानी की कमी, जमीन बंजर हो गई, किसानों का जीवन यापन संकट में हो गया। विशेष तौर पर दरीबा, राजपुरा, माइंस, राजसमंद के आसपास रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से कई दुष्परिणाम आए दिन भुगतने पड़ रहे हैं। मैं कुछ प्रमुख मांगे आधे मिनट में समाप्त करता हूँ। मेरे कुछ मांगे हैं साहब, मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर में विश्व प्रसिद्ध पान मेथी का उत्पादन होता है। नागौर के अंदर मंत्री जी, विश्व प्रसिद्ध पान मेथी, जो सुगंधित पान मेथी आती है ना वर्ल्ड में, एक ही जगह होती है नागौर के अंदर। इसके उत्पादन की लागत बहुत ज्यादा, इसलिए इसका समुचित मूल्य किसानों को मिले इसके लिए नीति बनाई जाए। नागौर की पान मेथी को जीआई टैग देने के लिए सरकार निर्देश जारी करें। नागौर की पान मेथी को मसाला कमोडिटी में शामिल किया जाए। मसालों की भरमार नागौर संसदीय क्षेत्र के अंदर है, राजस्थान के अंदर है, तो नागौर में मसालों का प्रोसेसिंग सेंटर के अंदर सरकार अपने स्तर पर एक मिनट स्थापित करें। मेरे संसदीय क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता का लाइम स्टोन है, समझ महोदय, लाइम स्टोन के छोटे पट्टे किसानों को कैसे मिले? बड़ी कंपनियों को तो आप दे रहे हो, बड़े उद्योग लगा रहे हो, लेकिन जिस किसान के खेत में अगर लाइम स्टोन निकलता है उसको कैसे पट्टा दिया जाए, उसके लिए नीति बनाने की आवश्यकता। मंत्री जी, एमएसएमई के माध्यम से ऐसे उद्योगों को और अधिक आप प्रोत्साहन दें। नागौर जिले के नावा के अंदर नमक उद्योग है मंत्री जी, नावा का नमक, नावा और सांभर हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा नमक उत्पादक क्षेत्र है। अभी जो नई ट्रेन दिल्ली का जो ट्रैक बन रहा है, उस स्पेशल ट्रेन के नाम से कम 2000 उद्योगों में संकट आ गया, उन नमक की क्यारियों के बीच से आपकी रेलवे की लाइन जाएगी, तो आप ऐसा कोई रास्ता करें साहब, उनको जमीन का मुआवजा दे रहे हो आप 2-3 लाख रुपए बीघा, आप या तो उनको 50 लाख रुपए बीघा दो या कोई दूसरा सिस्टम आप तय करें, जिससे एक मिनट साहब, नमक उद्यमों को वहां से पलायन नहीं करना पड़े, पूरा उद्योग धंधा संकट के अंदर आ गया नावा नागौर के अंदर। और दूसरा मेरा एक मिनट आखिरी पॉइंट है साहब, टंगस्टन देश के अंदर एक नागौर जिले में निकलता टंगस्टन, और उस माइंस को इसलिए बंद कर दिया कि आपको टंगस्टन बाहर से लाते हो तो सस्ता मिलता है। आप ऐसी कोई तकनीक लाएं जिससे हमारा टंगस्टन ऐसी टेक्निक से सस्ते में निकाला जाए और उन लोगों को रोजगार मिलेगा। खेतड़ी के अंदर जो कॉपर का हमारा तांबा जो निकलता था, चाहे बीकानेर के अंदर कोयला था, तो धीरे धीरे ये रसातल के अंदर जा रहे हैं। इन उद्योगों को कैसे आप नए सिरे से तैयार करेंगे, कैसे लोगों को रोजगार देंगे, ये मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करना चाहूंगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। श्री गौरव गोगोई जी।